गेहूं के आटे से आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट, मसालेदार और बहुत सारी परतों वाले लच्छा पराठा, जिसे आप खाने में या चाय के साथ नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए देखें इसकी रेसिपी। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 कप गेहूं का आटा, जिसमें हम थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और 1.5 चम्मच जितना तेल। हाथों से इसे अच्छे से मिक्स करके पानी मिलाते हुए हमें इसका स्मूथ और सॉफ्ट डो रेडी करना है। पर लच्छा पराठा बनाने के लिए जो आटा हम गूंथते हैं, इसे लचीला रखे, सॉफ्ट और स्मूथ रखे, पराठे बहुत अच्छे बनेंगे। अब थोड़ा सा तेल इसमें ऐड करके इसे अच्छे से गूंथ के हम कवर करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए साइड पे रख देंगे। डो जितना लचीला बनेगा, पराठे उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। तो अब हम बनाएंगे मसाला, जिसके लिए यहाँ पे हम लेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। मैंने यहाँ पे बहुत बेसिक मसाले इस्तेमाल किए हैं, जो हर घर में आसानी से पाया जाता है। आप चाहें वो अपनी मनपसंद फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लेंगे और ये हमारा डो भी रेडी है। अब हम इसके अच्छे से मसल के 3 पार्ट कर लेंगे। तो हमने जो मेजरमेंट दिखाया, उससे यहाँ पे हम 3 लच्छा पराठा बनाएंगे। ये लच्छा पराठे रोटी और नॉर्मल पराठे जितने पतले नहीं होते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अब हम इसे बेल लेंगे। तो हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा मिलाते हुए हम इसे पतला बेलेंगे। जितना अच्छा पतला बेलेंगे, उतनी परतें अच्छी बनेंगी। अब इस बेले हुए पराठे पर हम लगाएंगे देसी घी। यहाँ पे करीबन 1 बड़ी चम्मच जितना देसी घी है। और इसके साथ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ जो हमने अभी मसाला बनाया। मसाले में 2-3 तरह के ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये इसमें अचार मसाला लगा सकते हैं, या बेसन को भून के उसमें सारे मसाले ऐड करके वो यहाँ पे लगा सकते हैं। आप इसमें ऑर्गेनो, चिली फ्लेक्स या पार्सली जैसे इटालियन हर्ब्स इसमें ऐड करके इटालियन फ्लेवर का लच्छा पराठा भी बना सकते हैं। उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, एक बार ट्राई कीजिएगा। हमने यहाँ पे मसाला अच्छे से स्प्रेड कर दिया है और हम इसमें डाल रहे हैं सफ़ेद तिल, और इसके साथ हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ धनिया भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा पराठे का स्टफिंग रेडी है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। हमें इसे बिल्कुल हम जो फैन बनाते हैं ना, ऐसे ही इसे फोल्ड करना है। फैन या साड़ी की जिस तरह से हम प्लेट्स लेते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह से हम इसे फोल्ड करते जाएंगे। और इसके जो दोनों एंड है पराठे का, वो एक ही दिशा में हो, उसका ध्यान रखें। तो मसाला बिल्कुल अंदर की साइड है और हमने ये दोनों अच्छे से सील कर दिया है। इसे बहुत ज़ोर से दबाना नहीं है, बिल्कुल ही हल्के हाथों से इसे रेडी कर लेंगे और बाद में इसे हम रोल बना लेंगे इसी तरह से। और जो एंड बचेगा उसको हल्के हाथों से इस तरह से दबा देंगे। थोड़ा सा सूखा आटा लेकर हमें इसे बेल लेना है। बेलते वक्त ध्यान रखें बहुत ज़्यादा जोर ना दे, नहीं तो इसके लेयर्स मिक्स हो जाएंगे। और हमें इसे बहुत पतला भी नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा ही रखेंगे हम इसे। ये देखिए, ये हमारा 1 लच्छा पराठा हमने बेल लिया है। इसी तरह से हम बाकी के 2 भी बेल के रेडी करेंगे। लच्छा पराठा आप जब भी बनाएं कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। जिस तरह से आप यहाँ पे ये प्लीट्स ले रहे हैं, तो उसे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से दबाना नहीं है, नहीं तो वो भी मिक्स हो जाएगी। मसाले में आप मनचाहा कोई भी वेरिएशन ले सकते हैं। और हमारी ये 3 लच्छा पराठा बन के रेडी है। अब हम इसे सेक लेंगे। पराठे को सेकने के लिए यहाँ पर हम एक तवा गर्म करेंगे और इसमें हमारा ये बेला हुआ पराठा रख देंगे हम। लच्छा पराठे को धीमी या मध्यम आंच पर ही पकाना है, ताकि वो अंदर तक अच्छे से रोस्ट हो जाए। बाद में आप इस पर ऑयल, घी या बटर, आप जो चाहे वो अप्लाई कर ले, और इसे क्रिस्पी हो तब तक हमें सेकना है। इन पराठों की सबसे अच्छी बात यह है कि आप इसे दिन के कोई भी टाइम पे इसे सर्व कर सकते हैं। खाना हो, सुबह का नाश्ता या शाम की चाय के साथ, ये हर मील में सेट हो जाते हैं। हमने इसमें जो मसाला ऐड किया है, वो बहुत ही अच्छी फ्लेवर देगा पराठे को। यहाँ पे आप देख सकते हैं पराठा अच्छे से क्रिस्पी हो चुका है, और आप इसके लेयर्स देखिए कितने खूबसूरती से वो दिख रहे हैं।
ये बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल ही खस्ता बना है ये पराठा। तो ये लीजिए, हमारा आसानी से बनने वाला मसाला लच्छा पराठा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लच्छा पराठे को दही और मिर्ची के अचार के साथ सर्व कर रही हूँ, जो मुझे ये कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है। आप भी एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया, इस मसाला लच्छा पराठा में हम मसाले ऐड कर चुके हैं, ये क्रिस्पी है, खस्ता है, तो हमें इसमें मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आपको सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ेगी। आप ये फटाफट और इजी से बनने वाले मसाला लच्छा पराठा को मनपसंद चटनी, दही या चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप मुझे रुचिज वेज किचन टैग करके ऊपर दिए गए सोशल मीडिया में कहीं भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।